हाय, दिस इज दीपेन गोगोई फ्रॉम एलाइस ब्लू। और आज हम बात करेंगे पिवट पॉइंट मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट रेंज क्रूड ऑयल का ऊपर। तो उससे पहले थोड़ा आप ये रिस्क डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है, अगर ये कंप्लीट हुआ तो हम शुरू करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप क्रूड ऑयल, और आज क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट 4701, फर्स्ट सपोर्ट 4772, रेजिस्टेंट एंड सेकंड रेजिस्टेंट 4883 एंड थर्ड रेजिस्टेंट 4954 एंड फर्स्ट सपोर्ट 4590, सेकंड सपोर्ट 4519 एंड थर्ड सपोर्ट 4408। और ये देख सकते हैं आप डेली चार्ट क्रूड ऑयल। तो इसमें मैंने जहां बात किया था, जैसे आपको एक रेजिस्टेंस लाइन दिया था मैंने यहाँ पे आपको, तो आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पे। तो इसको ब्रेकआउट जो मैंने एक लाइन दिया था, जो ब्रेकआउट आप पहले वीडियो में आपको दिखाया था, अगर इसको ब्रेकआउट करे तो आप सेल में जाइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट करके नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन था यहाँ अराउंड 4770 एंड थर्ड रेजिस्ट सपोर्ट दिया था मैंने 4635। तो आप अभी देख सकते हैं ये मार्केट डेली जो चार्ट है वहाँ पे अभी डाउन स्टिल अप ट्रेंड में ही है, डाउन ट्रेंड अभी तक प्लेस हुआ नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार, तो थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ तो आप पता चलेगा कंटिन्यूअसली ये रीजन से ये कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा है। राइट, यहाँ पे देख सकते हैं ये हायर हाई बना के कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर जा रहा है। राइट, तो ये जो रेजिस्टेंस आ गया, सपोर्ट आ गया, सपोर्टिंग रेंज यहाँ पे मिले हमें। तो यहाँ एक बात हमें कंफर्म करना चाहिए कि पहले आप देख सकते हैं कौन सा 100 मूविंग एवरेज उसका सपोर्टिंग रेंज बना पहले, उसके बाद 50 मूविंग एवरेज सपोर्टिंग रेंज बन के फिर से 100 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, तो 100 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके अभी 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ गया मार्केट। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बात, ये जो लास्ट पॉइंट है जो अप ट्रेंड का जो लास्ट पॉइंट, जो लास्ट सपोर्टिंग जोन 200 मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्गली लास्ट सपोर्टिंग जोन होता है यहाँ पे, अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट फिर से नीचे आने का चांसेस होगा। लेकिन ये जो रेंज होता है, ये जो जोन होता है, ये जोन में आपको थोड़ा अवेक होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से भी मार्केट बाउंस बैक हो सकता है। राइट, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं जो ये रीजन में रहता है, क्योंकि यहाँ पे भी आप सी सी आई देख सकते हैं ओवर सोल जोन में है, और ये स्टोरस्टिक भी ओवर सोल जोन से फिर से ऊपर थोड़ा जाने का कोशिश किया था, फिर से ओवर जोन के पास आ रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो अप ट्रेंड रहता है, अप ट्रेंड का रिट्रेसमेंट जो होता है, तो ये रिट्रेसमेंट का लास्ट पॉइंट है, अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो मुझे लगता है मार्केट और नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये रीजन में आपको सेल लेना इतना सही नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग रेंज है। राइट, स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग रेंज डेली में। तो अगर आप देखेंगे अभी 4 आवर में क्या हो रहा है, तो 4 आवर में आप देख सकते हैं ये लास्ट पॉइंट में है। राइट, लास्ट पॉइंट में अगर आज मार्केट इसका नीचे में ओपन हो गया, राइट, सॉरी इसका नीचे में क्लोज हो गया 200 मूविंग एवरेज के पास, इसका नीचे में जो अगर मार्केट अगर क्लोज हो गया और फिर से मंडे अगर इसका नीचे में ही ओपन होगा, तो मुझे लगता है मार्केट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखना है आज क्या होने वाला है। ठीक है, स्पेशली यहाँ पे ट्रेड लेना सेल लेना थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल में है यहाँ। राइट, जो रिट्रेसमेंट है एक्सट्रीम लेवल में है, तो इसलिए यहाँ पे सेल मुझे नहीं लगता सेल लेना चाहिए बोल के, तो इसलिए इसमें थोड़ा देर रुकना चाहिए और उसका कंफर्मेशन लेना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया 4635, तो अगर आप 4 आवर में देखें कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। राइट, नीचे आके यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप ट्रेंडिंग देखेंगे, तो अगर हम 3 स्ट्रीक कनेक्ट कर दें, पॉइंट कनेक्ट कर दे, तो ये रीजन में क्या होता है, तो एक्सट्रीम लाइन में है। ठीक है,
तो यहां से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आके फिर से ऊपर जा सकता है, राइट। तो स्टॉकस्टिक भी ओवरसोल्ड जोन में है, सीसीआई ओवरसोल्ड जोन में कंटीन्यूअसली है, तो यहां से यहां पे करेक्शन भी दे सकता है अकॉर्डिंग टू 4 आवर में। तो अगर आवरली देखे तो आवरली आप देख सकते हैं फुल्ली डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड इसलिए मैंने यहां पे सेल लेने के लिए नहीं बोला क्योंकि ये मूविंग एवरेज का बहुत डिस्टेंस पे है, राइट, क्योंकि यहां से फिर से पुल अप हो सकता है मार्केट, क्योंकि एक यहां पे हमें क्या मिला, एक सपोर्टिंग जोन। तो अगर ये सपोर्टिंग जोन में आपने रिस्क लेना चाहिए तो थोड़ा नीचे आपको ऐसे लगा के ट्रेड करना चाहिए, लेकिन ये होगा आपका काउंटर ट्रेडिंग। काउंटर ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि मार्केट ये डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में आप लेना आपका थोड़ा मुश्किल में है 1 आवर में, राइट। तो अगर हम देखें इसको 5 मिनट में, तो 5 मिनट में आप देख सकते हैं मार्केट कंटीन्यूअसली डाउन ट्रेंड है और यहां पे एक जोन बन गया, मार्केट अभी स्लीपिंग में, एक प्राइस कंसोलिडेशन और स्लीपिंग जोन में है। यहां पे आप देख सकते हैं मार्केट ऐसे भी घूम सकता है, कब तक, जब तक ये मूविंग एवरेज नीचे नहीं आ जाए, तो ये जाके मूविंग एवरेज का आसपास से फिर से क्रैश भी हो सकता है, तो इसलिए ये जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है, राइट। तो इसका अगर मार्केट इसका ऊपर ओपन हुआ, राइट, इसका ओपन कॉन्फर्मेशन दिए जैसे लो लो हायर लो बन के फिर से मार्केट अगर ये रिट्रेसमेंट दे तब यहाँ पे आप एंटी कर सकते हैं, यहाँ पे एंटी बाय कर सकता है एसएल उसका नीचे लगा के, तो मार्केट ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है कहाँ तक, ये जोन में जो पहले हमने रेजिस्टेंस लाइन दिया था वहाँ तक ही, क्योंकि स्टिल डाउन ट्रेंड है और डेली क्या है इसका रिट्रेसमेंट का लास्ट लेवल दिखा रहा है, ये जोन रिट्रेसमेंट का लास्ट लेवल दिखा रहा है, तो इसलिए हमें सेल नहीं लेना है। अगर सेल लेना है तो इसका नीचे में सेल लेना है, जैसे 4635 इसका नीचे से हम सेल शुरू करेंगे, ठीक है। ये क्योंकि ये अभी पूरा साइडवे मार्केट है तो यहाँ पे ऐसा पैटर्न फॉर्म कर रहा है, और बाय लेना है तो इसलिए मैंने बोला इसको पहले, आपको जो लाइन दिया मैंने अराउंड आपका 4690-4680 के आसपास रहेगा, तो इसको ब्रेकआउट करेगा फिर से मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा, मतलब ये हायर हाई बनाएगा, राइट, ये हाई उसका बाद एक हाई बनाएगा, मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा उसका बाद आपको बाय में जा सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूज होता है ये एरिया में, तो प्रॉब्लम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर यहाँ पे सेल घुस जाता है, तो मार्केट उसको पता नहीं चलता, बट में मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। If you like this video, please like and subscribe. Thanks for watching.